Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से एक ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। इस पूरे सफर में पीएम मोदी को 10 घंटे का समय लगा और वो अब 7 घंटे यूक्रेन में रुकेंगे, जहां उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होगी। पीएम मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन इसलिए गए हैं क्योंकि युद्ध की वजह से यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है। पोलैंड से यूक्रेन तक के सफर में भारतीय प्रधानमंत्री को कुल 20 घंटे का समय लगेगा, जिसमें 10 घंटे जाने और 10 घंटे आने के शामिल हैं। पीएम मोदी जिस ट्रेन से अपनी यात्रा करेंगे उसका नाम ट्रेन फोर्स वन है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन एयर फोर्स वन की तर्ज पर बनाया गया है। यूक्रेन इस ट्रेन द्वारा अपने देश में विदेशी नेताओं को लाने को आयरन डिप्लोमेसी बोलता है। इसी ट्रेन से अब तक 52 देशों के नेताओं ने यूक्रेन की यात्रा की है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं। और अब इन नेताओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे हैं। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गया है। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि आज से यानी पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से ठीक 45 दिन पहले पीएम मोदी रूस गए थे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। इस मुलाकात से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उस पर यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने कड़ा रिएक्शन दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ऐसे व्यक्ति को गले लगा रहे हैं जो एक खूनी है। लेकिन अब ठीक 45 दिन बाद पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से ये साफ हो गया है कि भारत रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करके चल रहा है। हालांकि कई जानकार पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को अमेरिकी दबाव के रूप में भी देख रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी दबाव में यूक्रेन की यात्रा की है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की और ये जानते हैं कि इस पर भारत का क्या स्टैंड है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तब से ये लड़ाई लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर रखा है, जिसमें बखमुत और अविदिविका जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। हालांकि पश्चिमी देशों की सहायता से यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर ही नहीं दे रहा, बल्कि अब यूक्रेन की सेना रूस के अंदर भी घुस गई है और 1100 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा भी कर लिया है। यही नहीं, यूक्रेन ने 21 अगस्त को रूस की राजधानी मॉस्को पर भी एक बड़ा ड्रोन अटैक किया था, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस से युद्ध में यूक्रेन किस स्थिति में है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने शुरुआत से ही शांति बनाए रखने का पक्ष लिया है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के सितंबर महीने में उज़्बेकिस्तान में हुए SCO समिट में पुतिन से ये तक कह दिया था कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध का समय नहीं है। हालांकि भारत ने अभी तक रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है और न ही किसी देश का पक्ष लिया है। भारत ने ये साफ कर दिया कि भारत केवल शांति का पक्षधर है।